Power may also be shared among different social groups, such as the religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. Power हमेशा linguistic group और religious group दोनों के बीच में share होनी चाहिए और different social groups के बीच में भी share होनी चाहिए. इसका सबसे अच्छा example community government है. Community government Belgium ने बनाई थी. इन सम कंट्रीज़ देयर आर कॉन्स्टिट्यूट. मैं लिंग्विस्टिक ग्रुप का एक मतलब बताना चाह रहा हूँ. लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी कि लैंग्वेज के ऊपर जो ग्रुप्स बनते हैं कि भाई हमें लैंग्वेज ये जो लैंग्वेज सिस्टम है हमारा ये अलग है, तो हमें एक अलग ग्रुप चाहिए, हमें एक अलग शहर चाहिए, स्टेट चाहिए या फिर इलाका चाहिए. उनकी मांग को भी उनके उनकी मांग को भी मानना चाहिए, उन्हें भी पावर देनी चाहिए कि आपका भी इसी कंट्री के अंदर उतना ही तो आप भी इसी कंट्री के अंदर उतने ही जरूरी हैं जितने दूसरी भाषाएं भाषा वाले लोग. इन सम कंट्रीज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेर वे सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और किसी किसी कंट्रीज के अंदर तो इन लोगों को स्पेशल दर्जा दिया गया है, जो जैसे कि हमारे मान लीजिए उदाहरण, जैसे कि हमारे जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, दलित हो गए, उनको SC ST में कन्वर्ट कर उन्हें उन्हें आरक्षण का फॉर्मूला दिया गया है. इस तरीके से बहुत सारे इनके लिए अरेंजमेंट करे जाते हैं, कानूनी अरेंजमेंट करे जाते हैं, लीगल अरेंजमेंट करे जाते हैं. वुमेन का वुमेन को मान देख लीजिए, वुमेन को लोकसभा के अंदर या फिर किसी भी पंचायत के अंदर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रतिनिधित्व मिलता है. लास्ट ईयर वी स्टडीज द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्रीज. हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में भी लास्ट ईयर पढ़ा था. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेन टू गिव स्पेस टू द इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू अ डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. इस तरीके का अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट के अंदर सबको और सभी समाज के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को और सभी रिलीजन और सभी भाषा बोलने वाले लोगों को एक गवर्नमेंट के अंदर सभी को मौका मिले और किसी को भी ऐसा फील ना हो कि गवर्नमेंट हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है. दिस मेथड इज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर. ऐसा करने पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कोई भी एलिनेशन फील नहीं होगी. In unit 2nd we shall took various ways of accommodating social diversities. हम अब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटीज को हमें हैंडल करना है. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशल ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस चूज इन पावर दोज इन पावर. पावर शेयरिंग हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में भी होनी चाहिए, वरना ये सरकार के लिए मुसीबत बनकर सामने खड़े हो जाते हैं. आज आपने जंतर मंतर के देखा होगा कि वहाँ पर कितने सारे मूवमेंट होते हैं. आपने अभी ये जो पिछली हुआ है कि हम ये नहीं अपनाएंगे, ये CA वाला नहीं अपनाएंगे या फिर वगैरह वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि ये जब इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो ये लोग एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं. प्रेशर ग्रुप्स इनको बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, एक लोग मूवमेंट्स करने लगते हैं सरकार के खिलाफ. अगर सरकार को इन्हें ऐसा लगता है कि सरकार हमारे राइट डिनाइड करती है तो ये मूवमेंट करने लग जाते हैं. इन डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू राइट चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर. सिटीजन्स को पूरा पूरा अधिकार है कि वो कोई सी भी पार्टी इसको चुन सकता है पावर में लाने के लिए. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज. और आजकल की डेमोक्रेसीज में, आजकल के लोकतांत्रिक कंट्रीज के अंदर एक डबल पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि बहुत सारी पार्टीज चुनाव में खड़ी होती हैं और कि सभी को अधिकार होता है चुनाव लड़ने का. सच अ कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. और यही कंपटीशन यह बताता है कि हमेशा एक ही पार्टी की सरकार नहीं आती है और कंपटीशन हमेशा, पॉलिटिकल कंपटीशन हमेशा बहुत सारी पार्टियों के बीच में रहता है. सिटीजन्स का पूरा पूरा अधिकार है, वो किसी को भी फ्री माइंड होकर किसी को भी चुन सकते हैं. इट इज़ लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स.
Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. डिफरेंट तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ होती है और उनके अलग अलग तरीके के सोशल ग्रुप्स होते हैं. कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी को पार्टी को बिलोंग, कोई किसी एक सर्टेन ग्रुप्स को, कोई एक मान लीजिए जैसे हमारा BSP है, BSP जो है वो दलित समाज के लोगों को वो करती है, समाजवादी पार्टी जो वो समाजवाद के लिए आगे आती है, BJP जो है वो हमारी सभी लोगों के लिए आगे आती है, और कांग्रेस जो है वो भी एक राष्ट्रवादी पार्टी है. इन सब की आइडियोलॉजी अलग अलग है. समटाइम दिस काइंड ऑफ कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन. जब अलायंस फॉर्म होता है तो पावर शेयरिंग होती है, तब भी पावर शेयरिंग होती है जब अलायंस फॉर्म होता है. जैसे मान लीजिए एक सरकार को दो पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो पावर शेयरिंग होगी, दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होगी. इफ दे अलायंस इज इलेक्टेड बाय दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर. और अगर वो अलायंस जीतता है चुनाव तो दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है. इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के बीच में भी पावर शेयरिंग देखते हैं. दे विल ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ये लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट इनके ऊपर भी ध्यान देती है, इनको भी पावर शेयरिंग करती है. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं किस तरीके से वो इनके ऊपर डिसीजन ले. इन यूनिट थर्ड वी स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल ग्रुप. हम इसको भी आगे अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. चैप्टर फिनिश, आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है.